टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामो और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। हाँ जी, एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शन होंगे, आपने एक ऑप्शन चुनना है, अपना ऑप्शन नहीं दे सकती आप, और जब हम आपसे पूछेंगे तो आप उस ऑप्शन को जस्टिफाई करेंगे कि आपने ये क्यों कहा। ठीक है, तैयार हैं आप? लग तो नहीं रहा, लेकिन चले कोई बात नहीं। हाँ जी, कमर्शियल्स या फिर ड्रामास? कमर्शियल्स। वाकई? कम टाइम, ज्यादा पैसा, लेस टाइम। मोर मनी लेस टाइम, ज्यादा बेहतर है। ओके गुड। एक्टिंग या फिर मॉडलिंग? एक्टिंग एनी डे। एक्टिंग एनी डे, एनी डे। ओके, फुरकान कुरैशी या फिर उमर शहजाद? उमर शहजाद। फुरकान कुरैशी क्यों नहीं? क्योंकि उमर शहजाद मेरे ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। उमर शहजाद आप ज्यादा अच्छे दोस्त हैं। वेल डन। फुरकान कुरैशी बहुत अफसोस की बात है। अच्छा जी, वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? दोनों का मिक्सचर। नहीं एक नहीं, नहीं, नहीं एक बताइए। जुगाड़ नहीं ढूंढे। हाँ ठीक है, सलवार कमीज। सलवार कमीज ईस्टर्न कपड़े। ठीक है जी, फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फल। फ्रूट्स। फल। फ्रूट्स। ठीक है, फेवरेट फ्रूट क्या है आपका? परदेश या फिर भड़ास? परदेश। 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 भड़ास क्यों नहीं? आई डोंट नो, क्योंकि परदेश में ज्यादा अच्छा लगता है, दूर है। नहीं नहीं, भड़ास में, भड़ास में मुझे खूबसूरत लगना था, परदेश में मैंने एक्टिंग की है। अच्छी बात है। ओके, वेरी नाइस। डीप थॉट। दैट्स व्हाई। डीप थॉट। डीप थॉट ऑफ द डे। अच्छा जी, बन कबाब। बन कबाब या फिर बर्गर? बन कबाब। बन कबाब। टीपू का। अच्छा टीपू। ओ लाइक अ कराची आइज। टीपू भाई बर्गर बना रहे हैं? अरे नहीं, टीपू का बन कबाब। ओ अच्छा, बन कबाब टीपू का। प्याज वाला, बगैर प्याज वाला? प्याज वाला, और वो ग्रीन वाली चटनी और इमली वाली चटनी। अच्छा बस मिक्स करके ना, सब वो मिक्स करके। रिलैक्स रिलैक्स, ये सब रिलैक्स कराची आया। अंडे वाला विदाउट अंडे वाला? अंडे वाला विदाउट अंडे वाला? अंडे वाला। अब वाला नहीं होता, अंडे वाला। अंडे वाला। अंडे वाला बर्गर। अंडे वाला। अंडे वाला जेल। अच्छा जी, अफान वहीद या फिर नबील जुबैरी? अफान वहीद एनी डे। एनी डे। एक्टिंग एनी डे। अफान वहीद एनी डे। अफान वहीद इज एन अमेजिंग। व्हाई अफान एंड व्हाई नॉट नबील? बिकॉज़ अफान इज वन ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। ओह ओके, तो अभी तो आपने कहा उमर शहजाद ज्यादा अच्छे दोस्त। उमर भी अच्छा दोस्त है। तो अगर उमर शहजाद, आप हर किसी को यही तो नहीं बोल रहे? एक सेकंड, अगर उमर शहजाद और अफान वहीद हो जाए तो? ये आपका सवाल नहीं था। नहीं, हम सिर्फ सवाल पूछते हैं। नहीं नहीं, ये मेरा, हमारा शो है। नहीं नहीं नहीं, अब ये अफान है, वहां लिखा होगा तो फिर ये अफान भाई है, मैं उमर शहजाद हूं। बिकॉज़ अफान, नहीं नहीं ये हो नहीं सकता उमर शहजाद। बट नहीं, द थिंग इज अफान, लेकिन अफान ने तो थोड़ा सोचा था आपके साथ काम करने से पहले। हां सोचा जरूर था, लेकिन अफान और नबील में से आप लाइक जस्ट लाइक भाई नबील को तो हमने कटा दिया ना, जैसे आपने कटा दिया, छोड़ दे। नहीं नहीं कटाना नहीं, अब बात ये है कि अफान या उमर शहजाद बताइए। अफान या उमर शहजाद एज एन एक्टर? इफ यू नहीं, हमने बोला ही नहीं एज एन एक्टर, तो हमने बोला ही नहीं। अफान। अफान। अफान इज अ बेटर फ्रेंड। या उमर शहजाद, इतने डब्बे बनाने का कोई फायदा नहीं हो दोस्त। स्टॉप ट्राइंग टू हाइड। कोई बात नहीं, नहीं उमर, कोई बात, अफान इज बेटर। उमर भाई आप जिम में लगे रहो। नहीं यार, बुरी बात है, ऐसे नहीं बोलते, ऐसे नहीं बोलते, लेकिन नहीं उमर, आप जिम से वापस भी आओ। अफान इज बेटर। अच्छा जी, ब्राइडल कपड़े या कैजुअल कपड़े? कौन से कपड़े? ब्राइडल कपड़े। हां या कैजुअल? जो ब्राइडल शूट होती है ना, आप नो ब्राइडल शूट। ओके, कैजुअल शूट्स आर बेटर। ओके, आइसक्रीम या फिर आइस टी? आइसक्रीम। आइसक्रीम। कौन सी? कोई भी। अच्छा ये तो कोई फ्लेवर ही नहीं होता, लेकिन बताइए। नॉट ब्रांड, बट चीज केक आइसक्रीम मुझे अच्छी लगने लगी। ठीक है, पहले तो मैं चॉकलेट, हाँ एक महंगी होती है, चॉकलेट भी अच्छी होती है, बट चीज केक आइसक्रीम की गेम है। और आइसक्रीम जो है कोन वाली अच्छी लगती है या कप वाली? दोनों। नहीं, आइसक्रीम मिले कोन में, मिले कप में, मिले लालची है मतलब। बेसिकली आइसक्रीम से मतलब है, कोन या कप से। केक्स या फिर डोनट्स? डोनट्स। अच्छा ये बता, आइसक्रीम या आइस लॉली? आइस लॉली। ये देखा, ये ऑरेंज वाली। मुझे लग रहा है तुम अफान और उमर से दोनों से ज्यादा अच्छे दोस्त बन जाओगे। I think we are better friends now. है ना? Awards या फिर no awards? No awards. No awards. या तक कि अभी आप माशाल्लाह recently nominated हुई हैं. Congratulations. Thank you. जीती तो फिर आप? अभी होने तो दो awards. हो गए? आपको तो पता ही होगा. Rewards. Oh, only rewards. Only rewards. No awards. No awards. अच्छा जी, फैसल कुरैशी या नुमान एजाज? I'm working with Numan bhai right now. I haven't worked with Faisal. इतना लंबा सवाल ही नहीं किया। देखें आप ये इंग्लिश में बोलने सही थोड़ी होगा। आप बताएं। Faisal Qureshi. Faisal Qureshi. Faisal Qureshi. ओके जी, दुर्विशा कह रही है फैसल भाई ज्यादा अच्छे एक्टर हैं। गुड। महवेश या फिर माहिरा? माहिरा। 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 ओके। साइकिल या फिर बाइक? दोनों ही चलानी आती। नहीं, हमने तो पूछा नहीं, चलानी आती। अगर पीछे बैठना हो। हां।
साइकिल। साइकिल पे पीछे नहीं बैठे? क्यों? पीछे स्टैंड होता है, चुपता रहेगा आपको। कोई बात नहीं, बाइक भी नहीं तो खड़े हो जाते ना वो एक्स लगा के। बाइक, बाइक भी चुप। कैसा बाइक? बाइक पूछो। अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट कौन सी पसंद है, बस या फिर रिक्शा? रिक्शा। रिक्शा आज भी पूछिए। अच्छा ये बताइए कि मीठी पूरी या पानी पूरी? पानी पूरी। ये बताइए गोला गंडा डंडी वाला या चम्मच वाला? चम्मच वाला। और है तुम्हें सारे खाने के सवाल करते रहते ये तो? देखो इससे पता लगता है इंसान वाइब 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 पता लगती है ना। गोला गंडे के ऊपर चॉकलेट या नो चॉकलेट? गोला शक्ल जो बनाए। सुनो ये सुनो, हाँ नो चॉकलेट। देखा चॉकलेट वेल डन। तुम मुझे उससे कह रहे थे कि जरूरी होता है। जी नहीं, ये तुम नहीं कहा था। नहीं नहीं मैं तो चॉकलेट से एलर्जी है। अच्छा जी, अच्छा ये बताइए घर में बैठ के फिल्म देखना या सिनेमा जाके फिल्म देखना? सिनेमा। और सालगिरह अपनी मनाना या सालगिरह पे मैं अकेली जरा बैठती हूँ अपने साथ? नहीं नहीं नो, आई डोंट लाइक ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन। आप कैसे करती हैं अपनी सालगिरह? मैं फर्स्ट करें अभी आपकी सालगिरह। मैं खाने पे चली जाऊंगी अकेले। हाँ रात को दो पिज्जा खा लूंगी अकेले। हाँ एनी पर्सन हु कैन गो टू अ सिनेमा और अ रेस्टोरेंट अलोन इज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन। आप अकेले बी दैट। मैं जाती हूँ, मैं खाना तो कहीं भी जा सकती हूँ। क्या लोग भी ये चाह रहे हैं आप अकेले? कोई आपको नहीं कह रहा किसी के साथ लेके जाओ? नहीं। अच्छा जी मॉर्निंग शो या फिर मॉर्निंग शो या फिर इवनिंग शो? डेथ। नहीं नहीं बताए ना, मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? एक इवनिंग शो, पैसे ज्यादा मिलते हैं। ओह अंजुम। अच्छा ननियाल या फिर ददियाल? ननियाल। क्यों ददियाल में ऐसा क्या हुआ जो आपको नहीं पता? दादा ने क्या प्यार कम किया? ननियाल से ज्यादा दोस्ती है, दोस्ती तो है? ननियाल में सबसे बड़ी हूँ तो मेरी चलती बहुत है। ओ ददियाल में नहीं चल रही आपकी। अच्छा ये बताइए लव मैरिज अरेंज मैरिज? लव मैरिज। लव मैरिज। लव मैरिज। अच्छा लव मैरिज। और ये बताइए शादी के बाद बच्चे दो ही अच्छे या आने दो भाई? और कुछ फैमिली प्लानिंग बता दो। नहीं नहीं ऐसे पूछना चाह रहे हैं हम सबसे पूछते हैं। हाँ ये सवाल सबसे एक होता है ना यार, मैं दो ही बच्चे अच्छे और एक होता है यार ये तो अल्लाह में दिए जा रहे हैं 16 हो गए बच्चे दो ये दो ही अच्छे। वेरी गुड। स्कूल फ्रेंड्स या फिर कजन्स? स्कूल फ्रेंड्स। स्कूल फ्रेंड्स। कजन्स नहीं पसंद? आई डोंट नो, आई नेवर हैड दैट बॉन्ड विद माय कजन्स। कजन सेल्फिश है आपके? नहीं बट मुझे सब बहुत बड़े हैं या तो सब बहुत छोटे हैं। अच्छा वो एज फैक्टर का मतलब? ओके नेवर माइंड। चाइनीज खाना या फिर इटालियन खाना? इटालियन। Nice. अच्छा ये बताइए लड़के आपको कैसे पसंद है, अपने जितने हाइट में, अपने से छोटे हाइट में, अपने से ऊंचे हाइट में? मुझे ऐसे देखना है पसंद है लड़कों को। वाकई नहीं कैसे? ऐसे कहीं भी लड़कों की हाइट मैटर नहीं करती लड़कों का। नहीं एक वो होता ना यार आई मामा पाते चीजों के एज थोड़ा इसमें ऐसा कुछ है आपको? नहीं नहीं आपको पार्टनर अच्छा चाहिए बस? हाँ ठीक। चाहते तो सब अच्छा है, मिलता क्या है वो? हाँ। अच्छा और आपने कहा लव मैरिज ना, तो आप यहाँ हमारे इंडस्ट्री वाले ना जो भी लड़की कहती है लव मैरिज, हाँ। आखिर में किसी कैप्टन या किसी बिजनेसमैन से उसकी शादी हो जाती है। हाँ। तो आपका भी ये कुछ ऐसा ही होगा? तो कैप्टन से लव नहीं हो सकता? नहीं मेरा मतलब हमेशा अमीर पार्टी से लव क्यों हो रहा है, नॉर्मल पार्टी से लव क्यों नहीं हो रहा? हाँ ये भी है वैसे। भाई फ्यूचर सिक्योर करना आपका क्या है? आपका क्या? मैं फ्यूचर खुद सिक्योर करना चाहिए मुझे, इंसान अच्छा होना चाहिए यार। इंसान अच्छा मतलब कोई जज साहब MBA पास चलेगा? पैसा नसीब का। हाँ पैसा नसीब। हाँ पढ़ा लिखा होना चाहिए, ये MBA पढ़ा लिखा होना चाहिए। पढ़ा लिखा ठीक है। वेरी गुड ठीक है जी। निदा यासिर या फिर नादिया खान? निदा यासिर। अच्छा अपनी शादी पर करोड़ों रुपया लगाएंगी या सादी सी शादी? सिर्फ एक निकाह होगा। सिर्फ एक ही निकाह होता है? हाँ सिर्फ एक घर में निकाह होगा। मैं बस, क्यों लोगों को एक ही फंक्शन पहले घर में एक निकाह होगा उसके बाद घर में एक निकाह। अच्छा ठीक है। I try laughing. मुझे मेरे लिए अफसोस भी क्या करें ना। मैंने कहा मैं हंस लूँ आपके ग्रुप पे। अभी यार सॉरी माजरत भी करते हैं साथ साथ। अच्छा जी शाइस्ता लोधी या साहिर लोधी? शाइस्ता लोधी। ओके साहिर लोधी में ऐसी कमी क्या है? क्योंकि शाइस्ता लोधी मैं जानूं, मैं आई लव हर। खाना पकाना या खाना खाना? दोनों। अच्छा चलो खाना खाना। अच्छा नहीं अगर आपको पकाने को बोले थे क्या पका बेस्ट क्या पकाती हैं? बोले ये मेरी गो टू डिश है। मैं अंडा अच्छा बना यार। ये अल्लाह के वास्ते इंतहाई क्लिशेड जवाब है। आलू अंडे, अंडे से तंग आ गए हम लोग। आलू अंडे, आलू अंडे, आलू आलू अंडे, आलू अंडे में उबले अंडे और आलू का शोरबा, आलू अंडे विद पराठा गाइस। अच्छा बताएं आई एम गुड पुलाव टू। अब आप बताएं आप क्या बताना चाहेंगे, आलू अंडा कैसे बनाती हैं? पुलाव। पुलाव बताना चाहेंगे? चलें बताएं पुलाव कैसे बनाती हैं। चलो जी आप पहले यखनी उबालेंगे। यखनी उबाले किस चीज की? आप कौन सा पुलाव खाना चाहते हैं? ये तो मैंने पूछा किस चीज की यखनी आपके है? मटन का पुलाव। मटन का है? मटन पुलाव इज मटन। ओके आप यखनी उबाले, मटन जब आप ये पुलाव बना रही हैं, हां जी खाला घर में है? नहीं नहीं खाला घर में नहीं। पहले इन्होंने सोचा कि नहीं खाला घर पे नहीं। अच्छा बताइए मटन आप डालें? डाल दिया। कहां? नहीं एक सेकंड पहले मटन खरीदें। पहले आप मटन खरीदें। गुड। फिर आप एक देचकी लें, देचकी उसके अंदर आप पानी डालें, उसके अंदर आप मटन डालें, उसके अंदर आप प्याज डालें, उसके अंदर आप एक सेकंड पहली बात तो ये देचकी नहीं होता, देचकी होता है।
देगची जो भी है बोल गाफ पहले गाफ पहले होता है देगची वही लें पहले मटन लें फिर देगची लें वही लें फिर वो लेके उसके बाद आप प्याज काटें प्याज भी लें हाँ बिल्कुल लें प्याज घर में होते हैं वैसे आप प्याज डालें फिर आप गरम मसाला डालें कितना कितना ऐसी आपको डालती जा रही है बताएं तो सही डिपेंड्स ना आप अगर आपने 10 लोगों का खाना बनाना है सिर्फ 2 लोगों का खाना सिर्फ 2 लोगों का 2 लोगों का बनाना है तो आप आधा किलो मटन लें आधा किलो मटन ले लिया ठीक है उसके अंदर आप नहीं किस में डाला क्या है पैन के अंदर मैं सुनना चाह रहा हूँ देगची ये पैन जो है पंजाबी वाली है नहीं इंग्लिश वाले पैन की बात ओके आप एक पैन लें उसको आप स्टोव पे रखें उसके स्टोव पे सब कुछ पुलाव एकदम से जो है ना पुलाव एकदम से अच्छा उसके बाद आप प्याज डालें उसके बाद आप कितनी आप एक प्याज डाल दें उसके बाद गरम मसाला डालें एक लौंग डालें एक इलायची डालें हाँ एक लौंग डालें एक इलायची डालें फिर आप थोड़ी सी ब्लैक पेपर काली मिर्च नशे की तरह रगड़ क्यों रही है उसको ऐसे करते हैं अच्छा थोड़ी सी काली मिर्च डाल दी फिर काली मिर्चों की बात हो रही है फिर आप काली मिर्च डालें फिर आप प्याज डाल दिए ना अरे भाई कितनी प्याज डालनी है तो प्याज का पुलाव हो जाएगा प्याज डालेंगे फिर हम उसे उबलने देंगे कितनी देर उबालने भाई ये चीज बतानी उबालने देंगे पक जाए तीन हजार मटन लेके उन्होंने पाल लिया मटन आपने सब डाल दिया उसको पाला नहीं रहना चाहिए मटन कितना उबाला गोल्डन ब्राउन जब तक हो जाए उसके बाद आपने ये मटन अंदर डाल दिया पका हुआ मटन पका हुआ मटन डालेंगे हाँ, पटा हुआ मकर डाल दिया आप दही आधा किलो डालेंगे उसको फेंट के whisk your दही ओके वो आप डालेंगे उसके बाद आप अपने उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च डाल सकते हैं फिर काली मिर्च डालें ना मुझे कम क्यों है आपके पास अच्छा ओके स्पाइस काली मिर्च डालें थोड़ी सी आप लाल मिर्च डालें अगर आपको पसंद है फिर आप 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें डालें फिर आप वो यखनी डाल लें जो हमने मटन की बनाई थी शुरू में वो डाल के एक दो बाले लेके फिर उससे पहले हमें 1.5 कप चावल को भिगो के रखना था वो भिगो हुए चावल आप 1.5 कप चावल बहुत है 2 लोगों के लिए हाँ 1.5 कप इज enough हाँ वैसे तो मैं चावल बहुत खाती हूँ मैं केली भी 1.5 कप खा लेती हूँ आप भूखी हम आप नहीं दो कप I thought we partners in food आप लोग खा लेंगे 1.5 कप मुझे 1.5 कप खा लेंगे हाँ दो बंदों के लिए बहुत होता है अच्छा अच्छा भाई मैं कब कह रहा हूँ कम होता है उसको थोड़ा उबाला आए जब तक वो चावल नजर आना शुरू हो जाए आपको फिर आप उसको दम दे देते हैं फिर आप उसको 20 मिनट्स बाद निकालें और रायते के साथ एंजॉय करें ये वाला पार्ट हम काट के नहीं था यासिर को दे देंगे कल सुबह अच्छा एक सेकंड आपने तो कर लिया आप जो पार्टनर बन रहे थे जरा सुनाइएगा रेसिपी जी सुनाइए पहले आप मटन लाइए हाँ फिर जल्दी जल्दी आप इनको कॉल करें फिर आप कॉल करें फिर आप जल्दी जल्दी बताएं मटन लाए प्याज लाए काली मिर्च लाए मसाले मिर्चे काट के डाले जो पिछले दिन 1.5 गिलास चावल लगे थे उसको दम देते उसमें डाल के ढकना बंद कर देते किस चीज का ढकना ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल एक आदि भाई पूछेंगे एक मैं पूछूंगा तो आपने जरा सोच समझ के जवाब देना है ठीक है जी आदि भाई पूछिए अच्छा मैं आपसे जो सवाल करूंगा वो मैं एक सेकंड याद आया आपने पूरे पुलाव में नमक नहीं डाला आप फीके पुलाव खिला रही हैं लोगों को या तुम किस नमक किस खाना का पार्टनर हो तुम आपको पता है नमक नहीं खाना चाहिए ज्यादा अच्छा इसीलिए नहीं डाला आपने इसीलिए मैंने रायते में डाल दिया या राइट इट्स नॉट गुड फॉर ब्लड प्रेशर पर्पस बिल्कुल ठीक और बिना वजह वजन भी बढ़ता है बढ़ता भैया क्योंकि नमक जो है पानी स्किन भी खराब होती है अच्छा 1.5 गिलास चावल खा रहे हो दोनों नमक नहीं डालोगे चावल इज कॉम्प्लेक्स कार्ब्स आर गुड फॉर यू अच्छा आपका जिम कहां पे ये बताइए जरा मेरे बहुत जिम है ओके ये तुम्हें भी नहीं पता नमक का छोड़ो यार चलो पूछो सवाल सवाल पूछना था हाँ पूछो अच्छा जो मैं आपसे सवाल करूंगा ना वो थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है और मुझे लगता है कि टीवी पे इस तरह का सवाल नहीं पूछा जाता आपसे पूछने का मकसद इसलिए कि आप लाहौर से आई हैं आप एक बहुत पढ़े लिखे बैकग्राउंड से आई हैं तो आपकी सोच जो है वो जो नई जनरेशन है उसमें बहुत मैटर करेगी जवाब आप सोच समझ के दीजिएगा क्योंकि टीवी पे तो शायद एक बार चलेगा दो बार लेकिन डिजिटल मीडिया पे आपके नाम के साथ ही हमेशा रहेगा हाय अल्लाह क्या पूछने लगे मुझे ये बताएं कि अकॉर्डिंग टू अंजुम क्या पूछ रही अंजुम मुझे ये बताइए कि अकॉर्डिंग टू दुरे फिशां आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन सा तरीका ज्यादा बेहतर है फॉर द न्यू जनरेशन जितनी भी जनरेशन अभी बड़ी हो रही है
आम चूस के खाना या काट के खाना? आम चूस के जो खाने का मजा है ना, वो काट के खाने का नहीं। गुड यार, तुम और साथ बुरे लगते हैं वो लोग मुझे जो इससे बात नहीं करते। करेलों के साथ करेले के साथ आम? आपने नहीं कॉम्बिनेशन कभी खाया? इट्स एक्चुअली अ पुअर पर्सन। आम के साथ करेले? ही इज लाइक वेरी कराची गाइस। रियली? वेरी कराची। आम के साथ करेले? ओह, लेट इट कम। तो आमिर भाई ने तो कभी नहीं कहा आम के साथ करेले। आम के ब्रांड एंबेसडर है वो तो। आम के साथ नान भी खा सकते हैं। नहीं, वो कहते हैं वो खुद कड़वे, इसलिए करेले ऑफर नहीं करते। अच्छा, तो आपसे मैं आखिरी सवाल पूछता हूं, बड़ा आसान सा, जल्दी से जवाब दीजिएगा, आदि या फैजान? इसमें कोई रीजन नहीं है। हाँ, इसमें एक ही रीजन है। नहीं, रीजन नहीं है। अच्छा, बस आपके नाम देना है। आपने कोई जस्टिफिकेशन नहीं, बस जवाब दे दें और कोई वजह नहीं है, ऐसे ही। ऑब्वियसली आदि। बजा भाई तालियां। बजाओ, नाचो यार, यू मस्ट सेलिब्रेट। बजाओ, नहीं, खामोश, नाचो यार। एक्सक्यूज मी फैजान, मेरी जिंदगी में ठहराओ आज। नहीं भाई, नाचो जरूरी है, लोग कहते हैं। नहीं भाई, नहीं नाच, थोड़ा सा ऐसी खड़े खड़े वजह से नहीं रहा ऐसी, थोड़ा क्यों बताऊंगा बाद में। अच्छा जी, आदि भाई को पॉइंट मिल गया, बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। काशी भाई हमारे